दोस्तों तो दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की परीक्षा दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम की है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने कोर्स तैयार किया हुआ है जो कि यूपी पी सिलेबस के पूरा अकॉर्डिंग है तो इकोनॉमिक्स के पेपर में दो पार्ट में इकोनॉमिक्स आती है पेपर वन और पेपर टू पेपर वन मेनली माइक्रो मैक्रो इसके अलावा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पब्लिक फाइनेंस और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बना है जिसको इकोनॉमिक थ्योरी का नाम दिया गया है और पार्ट टू जो है वो इंडियन इकोनॉमी है तो बच्चों अभी हम जो तैयारी करा रहे हैं वो पेपर वन की करा रहे हैं यानी कि पेपर वन के अंदर दो सेक्शन है सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों की तैयारी हम करा रहे हैं हालांकि हम इंडियन इकोनॉमी की भी तैयारी कराएंगे लेकिन फिलहाल हमारा जो फोकस है वो पेपर वन पर है तो बच्चों पेपर वन हम आप बच्चों के लिए ऑफ़र कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो इंडियन इकोनॉमी है वो तो आपको जी के साथ भी लर्न करना ही पड़ता है और स्पेसिफिक जो इकोनॉमिक्स करते हैं स्टूडेंट उनको जो ज़्यादा दिक्कत आती है वो पेपर वन में आती है तो बच्चों पेपर वन ही हम आप बच्चों के लिए ऑफ़र कर रहे हैं तो आप अपनी साइड स्क्रीन अपनी साइड स्क्रीन पर देखिएगा देखिए यहाँ पर हमने आपको सिलेबस के बारे में सबसे पहले बताया है तो ये जो पहला है जैसे आप देख पा रहे होंगे पहला जो पेपर है यानी कि इकोनॉमिक्स इन इकोनॉमिक्स जो है वो इक्वेरियम इकोनॉमिक्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर इसके अलावा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन और वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी इकनॉमिक शुरू के जो पांच पॉइंट हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझाने के लिए हमने बच्चों एच एल अहूजा सर की बुक यूज की है काफी अच्छी किताब है और उसी के माध्यम से हमने आपको सारा का सारा ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कवर कराएंगे बच्चों इसके अलावा छठा और सातवां नंबर और आठवां ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का है हालांकि आप इसे मॉनिटरी इकोनॉमिक्स भी कह सकते हो और इसके लिए भी हम एच एल ओजा सर की ही बुक यूज़ करते हैं एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम से आती है उनकी बुक सेक्शन टू की बात करें तो बच्चों सेक्शन टू का आप सिलेबस भी देख सकते हो इसमें बेसिकली जो फर्स्ट है सेकेंड और थर्ड है इवन फोर्थ है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है इसके लिए हमने आर के लेखी एंड जोगिंदर सिंह की बुक यूज़ की है इसके अलावा फिफ्थ और सिक्स पॉइंट जो है वो पब्लिक फाइनेंस का है ये भी हमने आ, उसी बुक से किया हुआ है आर के लेखी एंड जोगिंदर सिंह दोनों की अलग अलग बुक आती है बच्चों इसके अलावा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यानी कि सेवन और एट नंबर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है सलवटोर सर की बुक इसमें यूज़ की हुई है हालांकि अगर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहे हो तो और भी कई सारी अच्छी बुक आती हैं आप उनको भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि कंक्लूजन तो सभी का लगभग लगभग लग एक जैसा ही रहता है अगर आप अच्छी बुक यूज़ करोगे रेफरेंस बुक यूज़ करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा इसके अलावा बच्चों हम बात करें कि हम किस तरीके से कोर्स प्रोवाइड कराते हैं तो हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या हमारी वेबसाइट है विष्णु इकनॉमिक्स स्कूल डॉट इन तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से दिखा रहा हूँ आप हमारी देखिए ये वेबसाइट है विष्णु इकनॉमिक्स स्कूल डॉट इन आप ये वाली वेबसाइट है तो जब आप इस वेबसाइट पर आओगे तो आपको लॉग इन करना होगा आप अपना फोन नंबर मेल आई डी के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं और इस तरीके का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा आप सीधा स्टोर पर चले जाइएगा और स्टोर पर जाने के बाद सर्च कीजिएगा यू पी एस यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तो देखिए आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हमारा कोर्स है कंटेंट की बात करें बच्चों मैं आपको बता देता हूं अभी हम पेपर वन पे फोकस कर रहे हैं हालांकि पेपर टू के भी काफी सारा वीडियो हमारे पास अवेलेबल है तो पेपर वन में देखिए दोनों मीडियम हमने बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम तो इंग्लिश मीडियम का कोर्स तो हमारा पेपर वन का ऑलमोस्ट कंप्लीट है पेपर टू का हम कंप्लीट करा देंगे बच्चों लेकिन हिंदी मीडियम में हम अपना कोर्स कंटेंट शुरू करा रहे हैं और काफ़ी सारी वीडियो हमने बना दी है इसमें हम और भी अपलोड कर देंगे अभी इसमें वन थर्टी एट वीडियोज़ हैं तो ओवरऑल मिलाकर लगभग मुझे लगता है कि तीन सौ साढ़े तीन सौ वीडियो हमारे पास ऑलरेडी हैं जो आपके काम आएंगी तो ये कंटेंट है यानी कि जिस तरीके से आपका ब्लॉक वाइज होगा उसी तरीके से आपका सारा कंटेंट मिलेगा ठीक है इसी तरीके से जिस तरीके से आपको सिलेबस में दिया हुआ है यानी कि सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे कोर्स के माध्यम से कर रहे हैं अगर हम आपको इंग्लिश में दिखा देते हैं सेक्शन वन उसी तरीके से आपको दिखाया हुआ है जैसे इकोनॉमिक्स इक्लेबेरियम इन इकोनॉमिक्स अब इसके अंदर सब सेक्शन सब चैप्टर भी बना रखें ठीक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमि बिहेवियर के अंदर सब चैप्टर बना रखें तो इस तरीके से बच्चों जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे के सारा जो कोर्स है वह अवेलेबल है हालाँकि हम हिंदी मीडियम का कंटेंट तैयार कर रहे हैं हिंदी मीडियम में हम नोट्स भी तैयार करा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में भी हमारे पास कॉमन नोट्स हैं तो बच्चों ये सब कुछ हम आप बच्चों को देंगे इसके अलावा प्रैक्टिस पेपर भी जो पिछले सालों में हुए हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे तो एक कंप्लीट कोर्स है जो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो तमाम स्टूडेंट हैं वो इस इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सकते हैं स्टूडेंट्स तो इसके लिए देखिए अगर आपको ये कोर्स मान लीजिए अगर आप बाय करना चाहें तो आप बाय नाव के ऑप्शन पर जाके देखिए यहाँ पर बाय नाओ का ऑप्शन है या अप पहले अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश कर लेता हूँ तो इसको आप सेलेक्ट करते हैं तो सैसे आप इसे सेलेक्ट करते हैं आप पेमेंट का कोई भी प्रोसेस अपना सकते हैं वॉलेट है पेटीएम है जो भी आप यूज़ करते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं जैसे आप इसे पेमेंट करोगे इमीजिएटली आपकी सारी की सारी वीडियो ओपन हो जाएंगी सारे के सारे नोट्स ओपन हो जाएंगे इसके अलावा अगर क्वेश्चन पेपर हम डालते हैं तो वो भी ओपन हो जाएंगी यानी कि तमाम चीज़ें आपकी एक साथ ओपन हो जाएंगी और सिस्टमेटिकल तरीके से ये कोर्स बनाया हुआ है आप अपनी स्टडी कीजिएगा इसके अलावा अगर आप डेमो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने यू तो देखिए इसके लिए हमारा एक यूट्यूब चैनल है विष्णु इकोनॉमिक्स इस्कूल वहां पर भी आप जा सकते हो मैं आपको देखिए बता देता हूँ किस तरीके से आप YouTube पे वीडियो देख सकते हो देखिए ये हमारा YouTube चैनल है मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आप आपको YouTube चैनल पे सारी की सारी काफी सारी वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में बनाई हुई है मैं यहां पे लिख देता हूं विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ठीक है तो इस तरीके से आपको हमारा चैनल मिलेगा और यहां पे देखिए यहां पे देखिए ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने काफी सारी तो ये तमाम तरीके की प्ले हैं आप और भी प्ले देख सकते हो यहाँ पर और भी कई सारी प्ले बनाई हुई है हमने ठीक है तो इनमें से किसी में भी, भी आप जो आपको कंफर्टेबल लगे हिंदी में भी है कुछ प्लेलिस्ट इंग्लिश में भी है इससे आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा किस तरीके से हमारा वीडियो कंटेंट है और मैं उम्मीद करूंगा इसके अलावा बच्चों हम ऐप में भी कई सारी वीडियो को एक तरीके से डेमो वीडियो के रूप में ओपन रखेंगे तो वहां से भी एक्सेस कर सकते हो लेकिन ऐप में आपको सारा का सारा जो कोर्स है वो सिस्टमेटिकल ऑर्डर में मिलेगा इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम आप बच्चों को कोर्स कराना चाहते हैं तो अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही दोस्तों थैंक यू